पॉलीमर बैंक नोट्स एट प्रेजेंट मेरे पास मोर देन 20 कंट्रीज के पॉलीमर बैंक नोट्स है, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, निकारागुआ, रोमानिया और बहुत सारे कंट्रीज के लाइक मोरक्को, नाइजेरिया, अल्बानिया, हांगकॉन्ग एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। लेकिन कंट्रीज क्यों पॉलीमर बैंक नोट्स इशू करते हैं? कौन से कंट्री है जो पॉलीमर बैंक नोट्स फर्स्ट इशू की थी? एक पॉलीमर नोट की लाइफ स्पेन क्या है और एक पॉलीमर नोट को प्रिंट करने के लिए कितना खर्चे आते हैं? तो ये सारे डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अविनाश और मैं आपको दिखाऊंगा मेरे चैनल में वर्ल्ड के बहुत सारे करेंसीज। यूरोप में जब बैंक नोट्स इशू किया गया था 17th सेंचुरी में, तब कहा जाता है कि नंबर ऑफ फेक नोट्स जो है वो ज़्यादा थे कंपेयर टू द जेन्युइन बैंक नोट्स, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फीचर्स नहीं थे कॉटन बैंक नोट्स पे। तो यही देख के कॉटन बैंक नोट्स के पास बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स लाए गए, जैसे कि इंटाग्लियो प्रिंटिंग, मेटेलिक थ्रेड आ गए, उसके बाद वाटरमार्क आ गए, होलोग्राम आ गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1966 में ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ अराउंड $900,000 की। तो ये फ्रॉड केस होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के गवर्नर जो थे, जिनका नाम थे H.C. Coombs, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि एक सिक्योर टाइप का नोट उनको चाहिए जो जल्दी काउंटरफिट नहीं किया जा सकता है। और फिर डेविड सोलोमन जो एक पॉलीमर केमिस्ट थे, उनके पास एक आइडिया आया जब उनके पास एक जापान के पर्सन आए थे विद अ विजिटिंग कार्ड जो प्लास्टिक में थे। तो ये देख के वो सोचा कि ये पॉलीमर बैंक नोट्स अगर बना सकते हैं तो काफ़ी सिक्योर्ड हो सकते हैं। तो ऐसे आइडिया बॉर्न हुआ पॉलीमर बैंक नोट्स की। और 1988 में ऑस्ट्रेलिया बन गई द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट मॉडर्न पॉलीमर बैंक नोट्स। और 1996 तक ऑस्ट्रेलिया ने उनके सारे करेंसीज को पॉलीमर बना दी। पॉलीमर बैंकनोट्स जो है वो मोस्ट कॉमनली बनाया जा रहा है पॉलीमर सबस्ट्रेट से, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं पॉलीप्रोपाइलिन। और बैंकनोट्स जो बनते हैं फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ पॉलीमर एंड कॉटन थिंग्स, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हाइब्रिड नोट्स कहते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये रहा स्वाजीलैंड के दो करेंसी नोट्स जो हाइब्रिड करेंसी नोट्स है, यानी कि ये पॉलीमर और पेपर मिक्स करके बनाए गए हैं। दूसरे कंट्रीज जो कंप्लीटली पॉलीमर करेंसी में स्विच कर दिए हैं, उनके नाम है कैनेडा, मालदीव्स, ब्रुनाई, मोरिटानिया, निकारागुआ, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, रोमानिया, वियतनाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अभी यूनाइटेड किंगडम भी लिस्ट में आने वाले हैं, क्योंकि पहले उनके पास 5 पाउंड और 10 पाउंड के पॉलीमर बैंकनोट थे ही, और रिसेंटली उन्होंने 20 और 50 पाउंड की पॉलीमर बैंकनोट्स इशू कर दी है। पॉलीमर बैंकनोट्स जो है उनका लाइफ स्पेन है 2.5 to 4 टाइम्स द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ए पेपर बेस्ड नोट। तो ऑल्दो प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है स्टार्टिंग में, लेकिन इन द लॉन्ग रन पॉलीमर काफी बेनिफिशियल है कंपेयर टू द कॉस्ट एंड ओवरऑल इकोनॉमी। दोस्तों आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में जरूर फॉलो कीजिएगा जो है करेंसी यूनिवर्स, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और फिलहाल पॉलीमर बैंक नोट्स अकाउंट करते हैं अराउंड 3 to 5% ऑफ द टोटल बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। तो इंडिया में पॉलीमर बैंक नोट्स क्यों नहीं है? इंडिया में काफी ज्यादा यूज होते हैं 5, 10, 20 रुपए, तो पॉलीमर बैंक नोट्स करने से काफी अच्छे होते। लेकिन ये काफी एक मिस्ट्री है क्यों गवर्नमेंट ने अब तक पॉलीमर बैंक नोट्स इशू नहीं किए है। एक बार हो सकती है जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन के लिए काफी खर्च आ सकते हैं, क्योंकि पूरे मशीनरी हो, ATM हो, सबको कैलिब्रेट करने हो सकते हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी होंगे। लेकिन इन्हें लॉन्ग रन सस्ती हो सकती है, शायद गवर्नमेंट ने सोचा है कि काफी एक्सपेंसेस होंगे इसलिए बंद करके रखा है। लेकिन 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बिठाए थे, जिनमें उन्होंने ऑर्डर दी थी 1 billion पीसेस ऑफ पॉलीमर मटेरियल फॉर 10 रुपए के नोट के लिए। लेकिन उसके बाद वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गए, ये क्या हो गए कुछ भी किसी को नहीं मालूम। तो इट्स ए मिस्ट्री कि इंडिया अब तक पॉलीमर बैंक नोट्स क्यों इशू नहीं करते। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इंडिया को पॉलीमर बैंक नोट्स प्रिंट करने चाहिए एटलीस्ट 5, 10 और 20 रुपए, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। और बड़े वाले पॉलीमर बैंक नोट्स भी अगर प्रिंट करते हो तब इट्स वेरी गुड, बिकॉज पॉलीमर नोट्स का पास काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स है जो इजिली काउंटरफिट नहीं कर सकते हैं। पेपर बैंक नोट्स का जो सिक्योरिटी फीचर्स है बहुत जल्दी काउंटरफिटर्स लोग कर लेते हैं, लेकिन पॉलीमर बैंक नोट्स प्रिंट करने के लिए पहला बात है कि पॉलीमर बैंक नोट्स जो है उसको बनाने के लिए ही शीट को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज होते हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन लेट्स वेट एंड सी, अगर इंडिया पॉलीमर बैंक नोट्स इशू करते हैं देन इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड कंट्री। और फ्रेंड्स ये सारे वीडियोस आप मेरा इंग्लिश चैनल में देख सकते हो जो है द करेंसी चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो फ्रेंड्स दैट वाज ऑल अबाउट पॉलीमर नोट्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा और एक नई करेंसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड सी यू सून, बाय बाय।